हेलपेड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ्लैग पोल बनाकर दिखाऊंगा कि फ्लैग पोल कैसे बनाते हैं। इस फ्लैग पोल बनाने के लिए मैंने 11.5 इंच का वुडन स्टिक लिया है, 5 इंच का वुडन स्टिक लिया है और 3 इंच का लिया है। साथ में मैंने वाइट थ्रेड लिया है, इससे हम अपने गाँठों को कंप्लीट करेंगे। और साथ में हमने ग्रीन थ्रेड लिया है, इससे हम ये आउट लाइनिंग इसकी क्लियर करेंगे। साथ में मैंने इस पर फ्लैग लगाने के लिए मैंने 2 मार्कर यूज किया है और एक कटर मैंने अपने पास रखा है थ्रेड को काटने के लिए। साथ में मैंने एक फेविकॉल और एक पेपर लिया है, जिससे हम इसकी मदद से इस पर हम एक फ्लैग बनाकर लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लैग पोल बनाने के लिए मैंने 11.5 इंच का एक वुडन स्टिक लिया और साथ में मैंने भी 5 इंच का वुडन स्टिक लिया और साथ में हम इसे सेंटर में से हम बांधेंगे। यहाँ पर हम स्क्वायर लेसिंग लगाएंगे और इसे हम एक पहला स्टेप हम इसका क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्क्वायर लेसिंग लगाते हैं। स्क्वायर लेसिंग लगाने के लिए हम अपना वाइट थ्रेड का यूज करेंगे। दोस्तों, हमारा ये पहला स्टेप हमारा पूरा हो चुका है, इसके लिए हम अब चलते हैं सेकेंड स्टेप पे। इसके लिए हम 2 5 इंच का स्टिक लेंगे और हम इसे दोनों जो हमने 5 पॉइंट का एक बांधा है उसके दोनों सिरों पे हम इसे बांधेंगे, ताकि हमारा ये हमें ये फ्लैग पोल हमारे खड़े करने के लिए हमें एक सपोर्ट मिल जाए दोनों तरफ से और ये इजीली खड़ा हो सके। चलिए दोस्तों, इस पर भी हम सेम स्क्वायर लेसिंग लगाएंगे। तो चलिए स्क्वायर लेसिंग लगाते हैं।
दोस्तों ये हमारा फ्लैग पोल बनकर तैयार हो चुका है। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया कि कहाँ पर कौन सी गाठें लगानी है और कैसे हमें एक फ्लैग पोल बनाना है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।